झारखंड विधानसभा के लिए 30 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा। मतदान के लिए सभी पार्टियां तैयार हैं। पहले चरण में 13 सीटों पर सुबह 7 से 3 बजे तक वोटिंग होगी। इस चरण में कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 30 नवंबर को मतदान होगा। मतदान के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। सुबह 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग होगी। इस चरण की 13 सीटों पर कुल 189 प्रत्याशियों के लिए वोट पड़ेंगे, जिनमें 15 महिला हैं। 30 नवंबर को इन सीटों पर होने वाले मतदान में एक पूर्व केंद्रीय मंत्री, एक वर्तमान मंत्री, 9 पूर्व मंत्री, 10 वर्तमान विधायक, एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की प्रतिष्ठा दांव पर होगी। जिन 13 सीटों पर मतदान होना है उनमें चतरा, गुमला, बिशुनपुर, लोहरदगा, मनिका, लातेहार, पांकी, डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा, भवनाथपुर। पहले चरण के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। कुल मतदाता 37,78,963, पुरुष मतदाता 19,79,991, महिला मतदाता 17,98,966, मतदान केंद्र 4,892। पहले चरण में टिकट नहीं मिलने से बागी होकर दूसरे दलों से या निर्दलीय चुनाव लड़ रहे कई दिग्गज नेताओं की किस्मत भी तय होगी। इनमें राधाकृष्ण किशोर, बैद्यनाथ राम, अनंत प्रताप देव के नाम शामिल हैं। बीजेपी ने 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं हुसैनाबाद सीट पर बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को बीजेपी समर्थन दे रही है। महागठबंधन में कांग्रेस के 6, जेएमएम के 4, आरजेडी के 3 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। झारखंड विकास मोर्चा ने सभी 13 सीटों पर अपना प्रत्याशी दिया है। 60 निर्दलीय प्रत्याशी है। अगर 2014 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2014 में इन 13 सीटों पर बीजेपी ने अपना दबदबा दिखाया था। बीजेपी 6, जेबीएम 2, आईएनसी 1, जेएमएम 1, आजसू 1, एनएसएएम 1, बीएसपी 1। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 12 विधानसभा सीटों पर आगे थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर आगे थी। तो इससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कौन कितना मजबूत है। पहले चरण की 4 सीटें काफी हाई प्रोफाइल मानी जा रही हैं। इनमें विश्रामपुर सीट पर रामचंद्र चंद्रवंशी और चंद्रशेखर दुबे पर सबकी नजर रहेगी। गढ़वा सीट पर बीजेपी सत्येंद्रनाथ तिवारी और जेएमएम के मिथिलेश ठाकुर के बीच मुकाबला। डाल्टनगंज सीट पर बीजेपी आलोक चुरसिया और कांग्रेस के कृष्णानंद त्रिपाठी के बीच सीधी टक्कर। पनकी सीट पर बीजेपी के शशि भूषण मेहता और कांग्रेस के देवेंद्र कुमार सिंह के बीच कांटे का मुकाबला। बीजेपी इस बार सत्ता पर काबिज होने पर जोर लगा रही है। पहले चरण के लिए सभी पार्टियों ने खूब मेहनत की है, तो वहीं बीजेपी इस बार अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। आजसू ने बीजेपी से अपना नाता तोड़ लिया है। अब देखना ये है कि बीजेपी अपनी सफलता को दोहरा पाती है या नहीं। R9 TV ब्यूरो रिपोर्ट।